लगातार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन गेहूं की नई वैरायटी के बारे में जानेंगे, जिससे कि किसान भाई किस प्रकार से उपयोग कर अधिक उत्पादन गेहूं की फसल में ले सकते हैं। तो मैं किसान भाई से आपको मिलाना चाहता हूं, जो कि गेहूं की नई वैरायटी की खेती करते हैं। इन्होंने कई मार्केट से नई वैरायटी परचेस करी थी और इसको अपने खेत के अंदर लगाई थी, तो इनको किस प्रकार से रिजल्ट मिला है और किस प्रकार से गेहूँ की खेती हर साल कर रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? शुभ नाम टेकचंद पाटीदार जी। सर आप सर गेहूं की खेती कुछ नई वैरायटी के साथ कर रहे हैं? नई वैरायटी के साथ कर रहा हूं जी। सर ये वैरायटी इस प्रकार से है ना सर? जी सर। इसकी उम्मी का आकार क्या है सर? 8 इंच के करीबन है सर। पिछले साल आपने कितने रकबे में इसको लगाई थी सर? मैंने 4 आरी के करीबन लगाई। 4 आरी मतलब 1 बीघे का 25% जी सर। तो आपको क्या उत्पादन मिला था सर? मेरे को 6 क्विंटल के करीबन गेहूँ। 6 क्विंटल का उत्पादन आपको मिला था। अगर आप नॉर्मल दूसरी वैरायटी लगाते तो कितना उत्पादन मिलता आपको? उसकी नॉर्मल वैरायटी लगाते तो कम से कम 1 बीघे के 25 क्विंटल 1 बीघे 25 क्विंटल मिलते हैं। तो अपन को इसके कितने मिल सकते हैं लगभग, अगर अपन निकालें 1 बीघा में? आपने अभी लगाया 1 बीघा में लगा रखा ना? ये 1.5 बीघे के करीब 1.5 बीघे के लगभग है। तो आप इसको कितना मान सकते हैं कि इतना निकलेगा? ये 35 क्विंटल के समथिंग तो मान ही लेंगे। 35 क्विंटल के लगभग जी। तो अगर किसान भाई को इस वैरायटी के बीज की आवश्यकता होगी तो ये आपके पास मिल जाएगा? मिल जाएगी ना। बिल्कुल सर, है ना। तो आपने इसको पहली बार पिछले वर्ष लगाया था और उम्मी का आकार इस प्रकार से है ना? उम्मी का आकार पूरे खेत में ऐसा ही है सर कि ही। जी सर इतना ही है मतलब, है ना जी। किसान भाई हो, अगर आप भी इस गेहूं की वैरायटी की खेती करने चाहते हैं, क्योंकि किसान भाई इस वैरायटी का नाम भूल चुका है, तो इसका नाम तो अपन को पता नहीं है, बाकी अच्छी वैरायटी है और इसी देख रहे हो आप उम्मी इस प्रकार से है, मतलब बहुत ही लंबी उम्मी है, 8 इंच तक किसान भाई द्वारा बताई जा रही है। और लगभग मैं भी देख रहा हूँ इस खेत के अंदर, सारे खेत में जितनी भी उम्मियाँ हैं सारे का आकार इस प्रकार से है, आप देख रहे हो, मतलब किसी प्रकार से दिखावटी कार्य नहीं है, बहुत ही शानदार वैरायटी है और उत्पादन बिल्कुल ही आएगा, क्योंकि इसकी जो उम्मी है, जो दाने हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में दाने हैं इसकी जी सर। एक उम्मी में 150 बाली एक करीबन है इसमें। 150 बाले दाने हैं इसके अंदर ना सर। इसमें पानी की आवश्यकता भी ज्यादा लगती होगी? एक पानी दूसरे नॉर्मल गेहूं की तुलना में एक पानी ज्यादा है ना। तो इस साल आपके यहाँ पानी की कमी थी, फिर भी आपने इसको लगाई सर? फिर भी इसको लगाया। तो अच्छा उत्पादन मिलेगा सर आपको। तो किसान भाइयों को लगानी चाहिए ये वैरायटी जी। किसान भाइयों आप भी इस प्रकार से अपने खेत में नई वैरायटी लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस वैरायटी का आपको नाम नहीं बता सकता हूं, क्योंकि किसान भाई द्वारा इस वैरायटी का नाम भूल चुके हैं। तो आप इस वैरायटी का उपयोग कर अपने खेत से अधिक उत्पादन आप ले सकते हैं। किसान भाई द्वारा 4 आरी के अंदर से 6 क्विंटल तक का उत्पादन लिया है, तो मेरा मानना है कि आप बीघे में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं नॉर्मल वैरायटी की तुलना में, क्योंकि इसकी वैरायटी मेरे को बहुत ही पसंद आई है और किसान भाई द्वारा खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए बहुत ही कारगर ये वैरायटी सिद्ध हो सकती है। तो आप इस वैरायटी के संबंधित अधिक जानकारी के लिए अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। अगर मंदसौर, नीमच और रतलाम के किसान भाई इसको खरीदना चाहते हैं तो वो भी अन्नदाता सलाहकार यूट्यूब चैनल पर अपने मोबाइल नंबर के साथ कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको किसान भाई के नंबर देकर आपको इस वैरायटी को उपलब्ध करवा सकूं। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि नई आने वाली जानकारी आप तक पहुँच सके, और नीचे दिए गए बेल आइकन घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहे।